दोस्तों, ये जो है हम अपने घर पे आज देखते हैं, होम थिएटर बना रहे हैं। किस प्रकार से होम थिएटर बनाया जाता है, ये हम मार्केट से कैबिनेट ख़रीद के लेके आए हैं। ये कैबिनेट जो है 15 इंची की है, उसमें 2 15 इंची के स्पीकर लगेंगे। और आइए आपको दिखाते हैं इसे हम करीब से। इसमें कुछ वायरिंग हमने कर ली है। ये हमारा फ़ैन है, फ़ैन की हमने थोड़ी वायर लंबी करी है। ये हमारे पुश बटन है जो गाने को आगे पीछे करने के लिए और मोड चेंज करने के लिए डिस्प्ले है। ये हमारा माइक है। और ये जो है हमारे ट्यूटर हैं, ट्यूटर में से अभी हमने कनेक्शन निकाल लिए हैं। ये देखो, आपको सामने से देख रहे हैं ट्यूटर। ये हमारा डिस्प्ले कार्ड है ऑडियो आने के लिए। ये हमारे पुश बटन है जिनसे हम गाने को आगे पीछे और मोड चेंज कर सकते हैं। अब अभी हमने स्पीकर के कनेक्शन कर दिए हैं। स्पीकर में यूजुअली सबों ने देखा है कि 2 वायर लगी होती हैं, तो 2 वायर हम कर सकते हैं। दोनों वायर को हमने कनेक्शन कर दिए हैं और इसको हम किट में जोड़ेंगे। ये देख रहे हैं, ये जो हम किट ख़रीद के लेके आए हैं, ये 8 MOSFET की किट है। और ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ये जो है, ये हमारा 35035 को ट्रांसफार्मर है। इसमें हमारी 5 तारें निकली हुई हैं। ये जो 2 लाल काली तार जो निकली हुई है, ये 12 वोल्ट की है। इसमें से हमारे 12 वोल्ट आएंगे। और ये 35035 है, ये हमारा कॉमन है दोनों का। और बाकी जो ये देख रहे हैं आप कॉमन, और बाकी जो तो साइड है, यहाँ 35 वोल्ट और यहाँ से 35 वोल्ट निकलेंगे। ये हमने सारे ये माइक का कनेक्शन कर रखा है। ये माइक का कनेक्शन ऑडियो पे से कार्ड पे से ले लिया है। ये पीछे हम देखेंगे हमारे स्पीकर के और ट्यूटर के कनेक्शन हैं। यहाँ पे किट पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन लगाना है आपको। ये स्पीकर कनेक्शन लगाया हुआ है। AZ कोर कंपनी की किट है ये ट्रांसफार्मर, ये AZ कोर कंपनी का है। तो ये दोस्तों हमारा तैयार हो चुका है। देखते हैं किस प्रकार से बजता है ये हमारा। जरा